अपनी चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आई यूपी। दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है नियोजित शिक्षकों को लेकर। ठीक है, एक चीज मैंने शुरू से ही आप लोगों की आवाज उठाई थी नियोजित शिक्षकों को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान थे नियोजित शिक्षक और मेरे पास कॉल्स कर रहे थे कि सर प्लीज आवाज उठाइए, क्योंकि नियोजित शिक्षकों की जो मांग थी बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा के साथ साथ इनका ट्रांसफर भी कहीं ना किया जाए। ठीक है, तो इसी मांग को लेकर हम लोगों ने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी ट्विटर से लेकर हर जगह तक, तो इसमें बहुत बड़ी हम लोगों को जीत मिली है। ठीक है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं, ठीक है, आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है दोस्तों केवल 500 है, तो प्लीज आप लोग इसको पूरा करिएगा। और एक चीज कहूंगा, ठीक है, जितने भी नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा के सपोर्ट में है, ठीक है, बिना परीक्षा के राज्यकर्मी के सपोर्ट में है, वही मेरी वीडियो देखना, वही लाइक करना और उसी से पता चलेगा। और जो लोग नियोजित शिक्षक हैं और परीक्षा के सपोर्ट में नहीं है, कहने का मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि परीक्षा के बेसिस पे उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले, वो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। मेरा सपोर्ट उन टीचर्स के साथ है जो ये चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा के राज्यकर्मी का दर्जा मिले। ठीक है, तो सभी को बताना चाहता हूं कि आप लोग इस बात को ध्यान देना और जितने भी लोग हैं वही वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों नियोजित शिक्षकों की बात करें तो यहां पर नियोजित शिक्षकों को लेकर जो बेसिकली मांग छिड़ी हुई है, इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बहुत बड़ी मीटिंग है शिक्षा विभाग के साथ जो कि शुरू होगी। और जैसे ही आज यहां पर लगभग 3 से 4 बजे के बीच में मीटिंग का आयोजन किया जाना है, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तुरंत ही हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग मानी जा रही है। ठीक है, तब तक वेट करते हैं। जय हिंद।